So for this Panasonic split AC guys, में बस बहुत सी लोगों की एक ही क्वेरी आई है कि इसकी आउटडोर यूनिट की साउंड कितनी है। कई लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और कई कह रहे हैं कि आप हर हो सके तो एक वीडियो इसके ऊपर बनाओ। सो मैं फाइनली इसी पर्टिकुलर मोमेंट का इंतजार कर रहा था जब मैं इस AC को अपने लिए खाली वीडियो पर्पज़ के लिए यूज़ कर पाऊंगा। सो फाइनली द टाइम इज़ हियर। सो अभी गाइस आजकल जो मौसम चल रहा है, मैं उसे 26 पे यूज़ कर रहा है, बट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोना यूज़ इट फॉर 20 24 degrees। एंड दूसरी चीज, आई एम गोना यूज द पावरफुल मोड एज वेल, मतलब इसकी मैक्स आउट पावर मैं इसमें यूज करने वाला हूँ उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। एंड उसके बाद हम चलेंगे टेरेस पे जहाँ पे मैंने इसका आउटडोर यूनिट लगा रखा है। एंड वहाँ पे मैं आपको 3 साउंड्स के डेमो देने वाला हूँ। एक मेरे कैमरा का इंटरनल माइक, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा माइक नहीं, कोई अटैच नहीं। और सेकेंड ऑप्शन, अभी जो मैं एक कार्डबोर्ड माइक यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, कार्डबोर्ड माइक एक्सट्रीम अकूस्टिक्स का वो वाला। एंड तीसरा मेरा लावलियर वायरलेस माइक जो कि मैं अपने ही कॉलर पे यूज़ करूँगा, एसी के साथ ही जाके बैठ जाऊँगा। सो इसको करते हैं हम ऑन। देयर वी गो, सो 26 पे ऑन हुआ है। सो आई विल बी लोअरिंग द टेम्परेचर टू 24 एंड आई एम ऑल्सो गोना यूज दिस पावरफुल मोड। आप देख रहे हो आइकन भी आ चुका है। सो अब यहाँ से रूम को कर देते हैं बंद। एंड पावरफुल मोड जो है, अब इसकी आपका आवाज़ भी आ रही होगी, ये एग्जैक्टली एक घंटा चलेगा। एंड 24 डिग्रीज पे ये एसी सेट है, प्लस स्विंग भी ऑन है, सारे फीचर्स ऑन है। सो लेट्स गेट टू द टेरेस। पर्टिकुलर एसी के साथ फील हो रहा है, मतलब मैं ज़्यादा लाउड नहीं बोल रहा, हवा भी डायरेक्टली कैमरा पे पड़ रही है, एंड एवरीथिंग फील्स रिलेटिवली साइलेंट। मतलब मैं इसके साथ ही बोल रहा हूँ यार। सो अब शॉर्ट चेंज करते हैं विद द कार्डबोर्ड माइक एंड देन द लावलियर वायरलेस लावलियर माइक, बिल्कुल साथ में रहूँगा, यहाँ पर लगाऊंगा। सो लेट मी स्विच। So now shooting this video with the Cardioid Extreme Acoustic mic and directly ये मेरे सामने focus है and AC बिल्कुल मेरे साथ है। So आप बिल्कुल इसकी sound आज बहुत ज़्यादा detail में सुन रहे होंगे। जो हवा directly इसमें से निकल रही है वो directly इसके ऊपर पड़ रही है, जो dead cat कह लो या फिर जो wind muffler होता है अपने Cardioid mics के ऊपर। So आप sound बताओ। And मस्त एकदम बढ़िया चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है यार ये तो। कोई कौन मुझे समझ नहीं आ रहा कौन कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लाउड है, बट इट इज़ सुपर डुपर साइलेंट। सो अब आ रही है गाइस तीसरे माइक की, लेट्स सी कि इसके साथ ऑडियो कैसा रहता है। ऑलराइटी थर्ड टाइम। सो अब यहाँ पे आप मेरे को एक माइक्रोफोन यहाँ पे लटका हुआ देख रहे हो। सो अब ये जो आवाज़ आप सुन रहे हो ये इस पर्टिकुलर माइक्रोफोन से आ रही है। एंड इसी जैसा स्टार्टिंग में चल रहा था अभी भी वैसे ही चल रहा है, उसी स्पीड पे, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। एंड हवा बहुत अच्छी है और बहुत गर्मा गर्म हवा यहाँ पर आ रही है, क्योंकि वैसे ही वेदर गर्म है, नॉर्मल फैन भी चलाएंगे तब भी इतना ही गर्म रहेगा। सो अभी देखो मेरे पास कोई डेसिबल मीटर तो नहीं है, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता, बट मैं एकदम नॉर्मल बोल रहा हूँ, आई एम नॉट शाउटिंग। अब मेरे मसल्स देख सकते हो यहाँ पे, कुछ फ्लेक्स नहीं कर रहे, बिल्कुल आराम से बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं। एंड बिल्कुल इसके साथ में बोल रहा हूँ, अब देखो आप मुझे डिफरेंस बताओ कि साउंड में कैसा आ रहा है। अभी देखो मैं भी सुनूंगा। एंड एवरीथिंग फील्स रिलेटिवली साइलेंट टू मी। एंड अब मैं गाइस इस टेरेस से नीचे जाने की प्रक्रिया शुरू करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम हो रखी है, एक ईगल है एक ट्री के अंदर, उसने वहाँ पे बच्चे दिए हैं, कोई भी छतों पे देखता है तो वो उस पर अटैक कर चुका है, मेरे पर ऊपर ही 2 बारी अटैक कर चुका है। थैंकफुली सर के पीछे मारा था, सर के आगे नहीं तो छील छूल देता, आके फोड़ देता, फिर तो मैं बना लेता यूट्यूब वीडियोज़ भी। सो चलो लेट्स गेट डाउन स्टेयर्स। डाउन स्टेयर्स नाउ। मतलब आजकल टेरेस पे जाना ना खतरे से खाली वाली बात नहीं है। सो आवाज़ गाइस मैंने वहाँ पे आराम से बैठ के सुनी है जितनी देर मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करी है 3 different माइक्स के साथ। एंड अब आप लोग जज बनना कि आप लोगों को वो चीज़ साइलेंट लग रही है कि नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे तो वो सुपर साइलेंट लग रहा है। मैं अपनी अगर बात बताऊँ तो इट इज़ सुपर डुपर साइलेंट। अगर वो यहाँ पर भी यूनिट लगा होता ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे, मतलब इट इज़ दैट साइलेंट कि वो जो अपना विंडो एसी होता है उससे भी 50% से भी कम आवाज़ थी। खाली ऐसा लग रहा था कि एक फ़ैन घूमने की ही आवाज़ आ रही है। एंड इट इज़ चिलिंग, हा हा हा। एंड पावरफुल मोड पे भी है ये, सो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। मतलब इट इज़ सुपर डुपर साइलेंट, कोई कैसे कह सकता है इट्स सो लाउड यार। सो ऑन दैट बॉम्बशेल, इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं, डिटेल्ड रखते हैं, जिससे कि आप सबको नॉलेज मिले एंड आप लोग इस पर्टिकुलर नॉलेज को आगे ट्रांसफर कर सको। एंड मेरे चैनल पे कोशिश करना है कि और थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ सके। बस एसी वीडियोस तो इसी पर्टिकुलर एसी के हैं, थोड़ा बहुत दूसरी सर्विसिंग के लाइफस्टाइल वीडियोस में तो यही है। एंड इसके अलावा छोटे मोटे लाइफस्टाइल ब्लॉग्स हैं, बेसिकली चैनल रिवॉल्व करता है कार्स पे, बाइक्स पे, ट्रैवल पे, एंड अब लाइफस्टाइल में भी घुस रहे हैं,
तो हेसी भैया हमारा साथ दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे एंड गाइस, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रहेगी आपकी रिगार्डिंग दिस और रिगार्डिंग समथिंग एल्स, प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं कोशिश करूंगा कि उसका वीडियो या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, सी यू, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन, टेक केयर यू गाइस, बाय बाय।